हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव की जो बेसिक सीरीज है वो आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें अगर इफ हमारे पास जो एक्स है वो फंक्शन ऑफ टी है एंड जो वाई है वो फंक्शन ऑफ फाई है ना, जो फाई है वो फंक्शन ऑफ टी है, बोथ एक्स एंड वाई वेरिएबल आर फंक्शन। जो एक्स और वाई है वो दोनों क्या है, वो वेरिएबल है। ऑफ अनदर वेरिएबल टी, जो वेरिएबल है वो अनदर वेरिएबल टी में गिवन है। तो आपने क्या करना है, अब इसको आपने क्या करना है, मतलब आपने तो डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने कोई भी एक्स गिवन है या फिर वाई गिवन है, पर वो टी में गिवन है। तो आपने करना क्या है, आपने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी करना पड़ेगा और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल लोगे। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। मान के चलिए आपके पास एग्जाम्पल है कि आपने फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, और वेन आपके पास जो है एक्स की वैल्यू 5t² गिवन है और वाई की वैल्यू जो है टी 3t जो है स्केयर गिवन है। ठीक है, स्केयर है यहाँ पे, स्केयर गिवन है। आपने क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो एक्स और वाई है वो दोनों वेरिएबल है, वो अनदर वेरिएबल टी में गिवन है। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है, बट वो क्या है, वो अनदर वेरिएबल टी में गिवन है। ठीक है, अनदर वेरिएबल टी में गिवन है। तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव करना है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10t आ जाएगा। इसके बाद आपने सेकंड फंक्शन का करना है, डी वाई अपॉन डी टी। तो आपके पास क्या आएगा, 6t आएगा। ठीक है, 6t आएगा। तो अभी आपने डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप भी सेम इसकी वैल्यू लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स लिखना है आपने। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ये हमारे पास गिवन है 6t है ना, मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स, बट ये तो डी एक्स अपॉन डी टी है ना। तो अगर यहाँ पे रिवर्स है तो यहाँ पे भी आप इसकी जो वैल्यू है वो रिवर्स पुट कर दीजिए। तो क्या पुट करोगे, 1/10t² 10t पुट करोगे। ठीक है, टी से टी हमारा चला गया और हमारे पास 6/10 बचा, तो ये 2 के टेबल में 3 पे गया और ये 5 पे गया, तो आंसर आ गया 3/5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो, 3/5 जो है वो किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है। जैसे मान के चलिए आपके सामने है एक्स की वैल्यू 3at डिवाइड बाय 1+t² ओके, और वाई की वैल्यू है आपके पास 3at² डिवाइड बाय 1+t³ गिवन है। तो आपने क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए सबसे जो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यू डिवाइड बाई वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट, यू डिवाइड बाई वी। तो वी हमारे पास कितना है, 1+t² गिवन है, स्केयर की स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, और वी सेम आएगा, 1+t² आएगा, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, 3at का करना है आपने। ठीक है, टी टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए एक बार। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस आएगा और यहाँ पे 3at आएगा, और डी अपॉन डी टी किसका करना है आपने, 1+t² का करना है आपने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, 1+t² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, माइनस 3at आएगा, और फिर यहाँ पे 2t आएगा। ओके, 2t आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, 1+t² की स्केयर करोगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा, 3a+3at² माइनस 6at² आएगा, और नीचे इसमें क्या आएगा, 1+t² की स्केयर आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी टी की स्केयर है, यहाँ पे भी टी की स्केयर है, ए भी है और यहाँ पे भी ए है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग में 3a तो आएगा, 3a और 6a, 6a में से 3a गया, कितना बचा हमारे पास, -3at² बचा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 1+t² की स्केयर आएगा।
ऊपर अगर आपने कॉमन 3a निकालना है तो आप निकाल सकते हो। देन हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट वेट, थोड़ा गड़बड़ हुआ है ना हमारा, फिर से चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे 3 था। ओके, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिस तरह से भी आपको स्टेटमेंट गिवन है ना वो आप कर सकते हो। बट चलो एक बार ये थोड़ा सही कर लेते हैं, यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 3 t² बनेगा, 3 t² बनेगा, ठीक है, 3 t² बनेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a + 3a t³ आएगा। ओके, 3a t³ आएगा, माइनस 3 3 9 आएगा, यहाँ पे 9a t³ आ जाएगा, ठीक है, टी की क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 3a + 3at³ माइनस 9at³, और नीचे क्या है, 1 + 3t³ आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्यूब की स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है 3a जो है स्टार्टिंग में आएगा और माइनस 6at³ आएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, 1 + t³ की स्केयर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, 3a कॉमन निकाला तो 1 - 2t³ बनेगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + t³ डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है dx/dt की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है, सॉरी t आएगा यहाँ पे, t की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 + t³ की स्क्वायर, सेम फॉर्मूला जो u/v करते हो, और dx/dt आपने किसका करना है, 3at² का करना है, माइनस 3at² करोगे, और d/dt किसका करोगे आप, 1 + t³। ओके, देन आपने क्या करना है, 1 + t³ की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर तो नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, सिंपल 1 + t³ आएगा ना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6at आएगा, माइनस 3at², और यहाँ पे 3t² आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + t³ की स्केयर। अब आपके सामने जो आंसर है वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6at + 6at³ बनेगा, ठीक है, 6at³ माइनस यहाँ पे 9at³ बनेगा। ओके, और यहाँ पे आंसर जो है 1 + t³ की स्क्वायर। अब आपको पता है कि ऊपर 6at आएगा और नीचे -3 - 3at³ आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो सिर्फ इसको सॉल्व करोगे आप। ओके, 1 + t³ की स्क्वायर। अब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 3at निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा, 2 - t³ डिवाइड बाय 1 + t³ की स्क्वायर। अब आपके सामने ये वैल्यू आ गई dy/dt की। अब आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारी कौन सी है, ये है हमारी dx/dt। अब आपने क्या करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि dy/dt की वैल्यू कितनी है और dx/dt की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पे कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू निकालनी है dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने जो है वैल्यू पुट करनी है, dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx की वैल्यू। तो dy/dt कितना था, 3a टी है ना, -2t³। ओके, और नीचे क्या था इसमें, 1 + t³ की स्केयर, और इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, उस आंसर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 + t³ की स्केयर, और डिवाइड बाय क्या था यहाँ पे, 3a 1 - 2 की क्यूब। अब ये जो है इससे कट हो गया, ठीक है, 3a से,
थ्री ए कट हो गया, इसके बाद कुछ भी अगर कट हो रहा है तो काट दो, नहीं कट हो रहा है तो छोड़ दो। तो ऊपर क्या बचा, टी, एक तो टी बच गया, टी बच गया, टू माइनस टी की क्यूब पेंडिंग है, और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वन माइनस टू की क्यूब बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कौन से फंक्शन होते हैं, ये पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं जो कि हमें एक्स और वाई में गिवन होते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म और जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनदर वेरिएबल टी के फॉर्म में गिवन होते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। कंप्लीट अगर क्लासेस ज्वाइन करनी हो ना तो आप इस नंबर पे जो है बात कर सकते हो मेरे से, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और एक हमारे पास और क्वेश्चन है नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन मतलब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और g इज इक्वल टू g ऑफ एक्स है, देन आपने क्या करना है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। ओके बाय।